बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है, चैप्टर सेकंड है और एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं कि शो डैट। अब शो डैट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाए अगर करते हैं लॉन्ग में, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट भी आ जाता है कभी कभार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं और पावर भी हैं और बाहर भी पावर है, ठीक है। हर टर्म में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम उसको अगेन लिखेंगे इन सॉल्यूशन। इससे ये होता है कि एक तो स्टेप इंक्रीज हो जाता है और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किया होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल करना होगा, ये भी ठीक है। और अगर आप इसको साथ साथ कंटिन्यू करना चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से करवा रही हूँ कि जैसे साथ साथ आपका कंटिन्यू रहे। तो अब हमने क्या करना है, सारी एक्सपोनेंशियल लॉज जो है वो याद होने चाहिए आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखना है, उसके अकॉर्डिंग बेसिस बिल्कुल सेम है और डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ, जब हमारे पास दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं और उनकी बेसिस बिल्कुल सेम होती है, तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके एक ही बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से इस रूल को यूज़ करते हुए मैं इन सब के साथ भी यही काम करूँगी। लेकिन बाहर कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इतना काम हमने जो पावर वाला था वो कर लिया है। अब अंदर वाला जो काम है, जो डिवीजन वाला है वो करेंगे। बेसिस बिल्कुल सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। एक बेस करने के बाद ए माइनस बी जो ऊपर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। सेम दूसरे के साथ भी यही करेंगे, बी माइनस सी, एंड थर्ड के साथ भी यही करेंगे, सी माइनस ए। तो अगर मैं एक और रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अपने लास्ट पे वन भी लिखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। तो एक और हमारे पास लॉ है कि अगर एक अंदर वैल्यू हो, एक अंदर पावर हो और एक बाहर हो, तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने इस रूल को यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेप करना है, से होगा एक्स ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ए प्लस बी। सेकंड हमने देखा तो उसमें यहाँ ब्रैकेट लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये मैंने दोनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड की बारी है तो थर्ड भी आप एज इट इज करेंगे, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये हमने सारा लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एक फार्मूला आपको याद होगा जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो और हम उसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस कर देते हैं विदाउट एनी पावर बाहर में, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में वैल्यू, तो हम उसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस के फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इनको सॉल्व करूँगी। इनको सॉल्व करने के लिए मैं अब ये नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। तो अब एक दफ़ा प्लस में है, माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो फर्स्ट नज़र आ रहा है आपको सेम सेम उसका स्केयर ले लूँगी, माइनस सेकेंड का स्केयर ले लूँगी जो कि बी है। ये मैंने रूल यूज़ किया, ये फार्मूला यूज़ किया जिसमें हम हमारे पास एक दफ़ा प्लस में वैल्यू हो रही थी एक दफ़ा माइनस में, तो उसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे वन भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, फर्स्ट हमारे पास बी है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सी का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स, सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर इज इक्वल वन। तो ये हमने काम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो रही होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम उनकी पावर्स को, सारी पावर्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, जितनी भी पावर्स कंटेन कर रही हैं। अब आपने ये तीन वैल्यूज़ हैं या चार वैल्यूज़ हैं या चार पाँच वैल्यूज़ हैं, जितनी भी बेसिस हैं आपने उनको एक बेस में कन्वर्ट कर देना है और फिर उनकी सारी पावर्स को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर इनकी पावर्स को डिफरेंस में रखते हुए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो मैं ज़्यादा कर रही हूँ, आप चाहो तो आप ये स्टेप ना करो, डायरेक्टली इनको प्लस कर सकते हो। अब मैं इनके जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आ रहा है माइनस और फिर देन यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस रूल, ए प्लस में है और दूसरा ए नेगेटिव है, ये दोनों कट हो जाएंगे, बी माइनस में है दूसरा बी प्लस में है, तो सेम से मैं दोनों कट हो जाएंगे, ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों कट हो गए, एक्स की वैल्यू आ गई ज़ीरो।
तो अब x की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्सपोनेंशियल लॉ में जब भी किसी भी वैल्यू की पावर जो है ज़ीरो हो जाती है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये भी हमने एक्सपोनेंशियल लॉ एक पढ़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, वन। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। इस सारे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई हुए हैं, तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है ताकि ये जो क्वेश्चन है वो और ईजी हो सके।